गाड़ी गेट पे लेके आओ जल्दी, मुझे होटल जाना है। ये देखो रमजान अहमद अभी घर पहुंचे हैं। किसी ने कमेंट किया है बेस्ट कपल। वी आर द बेस्ट कपल दैट वी आर। शरीम, मुझे लगता था मेरे पास वापस आ रहे हो। मुझे ना ऐसा घर ऐसा महल नहीं चाहिए जिसमें तुम नहीं हो, कि मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम नहीं हो। सो आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता था कि मैं इस कदर वीक, इस कदर डिपेंडेंट हो जाऊंगी तुम पे। तुम खुश हो तो मैं खुश हो। Can we be happy again? Please, I want us to be happy again. तुम अगर मेरी बातें आराम से सुना करो और कंक्लूजन्स पे जंप ना किया करो तो हमारे बीच में कभी लड़ाई होगी नहीं। Do you love me? I love the way you are right now. Uncomplaining and totally mine. सीधी सच्ची अच्छी बात सुनने वाली। हाँ, लेकिन मैं तो ऐसी होती हूँ ना। फिर बेस। अच्छा शेरी, प्लीज आई एम सॉरी।
तुम तो बुरा ही मान गए। शरीफ प्लीज, क्या हुआ है? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती शेरी, तो छोड़ के मत जाना और न मर जाओगी। You're so sweet. आज तो तुम गालिब की गजल लग रही थी, नाजुक सी, बेलौस सी, मासूम सी। तुमने बनाया है। बेटा मैं ऐसी कभी नहीं थी। Adorable. इतना सब कुछ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता है शहरी का, वो सब कुछ बहुत ग्रैंड करता है, सब वही लाया है। खैर तुम रिलैक्स करो, दुल्हन हो तो। मुझे बताओ इतने सादा कपड़े क्यों पहने? तुम्हें पता है मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। ये तो है, शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल खैरियत से हो गया। हाँ बस हम लोग भी रात बहुत देर से सोए थे, असल में तस्वीरें आ रही थी कभी कुछ कभी कुछ। अब वैसे अमर, वो तुम्हारी दोस्त कहाँ अचानक गायब हो गई थी? उसको कोई काम था, मैंने उससे पूछा भी था लेकिन फॉर सम रीजन उसने जवाब नहीं दिया। आपका दामाद तो इतना तमीज़ वाला है, आप यकीन करें सारा वक्त सबको पूछता रहा, सबको देखता रहा कि किसने क्या खाया क्या नहीं खाया। बिल्कुल सही कह रही है, इसीलिए तो इसमें मेरी जान अटकी रहती है। और ऐसे है जैसे मेरा अपना बेटा। सब कहते हैं कि शहरी को तो सात खून माफ है। वैसे ये हमजा से भी बहुत प्यार करता है। हाँ तो क्यों ना करे, उसकी छोटी बहनों की तरह है, एक ही तो साली है उसकी। हमजा स्किनॉल, सॉरी गाइस एक इमरजेंसी हो गई है, हमें जाना होगा। क्या हुआ? वो मैं आके बताता हूँ आप लोगों को। लेट्स गो, हम आके बात करते हैं। मैं बेटा बात तो सुनो। आता हूँ मम्मी, आता हूँ। सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। अपने बाबा को बताओ मुझे सबके सामने कुछ बात करनी है। बाबा तो बाहर गए हैं अपने दोस्त की तरह। खैरियत? खैरियत नहीं है, तुमने हम सबसे झूठ बोला, फरेब दिया हम लोगों को। तुम्हारी शादी शहना से हो चुकी थी, तुमने हमें बताया तक नहीं। शहना को तुमने मारने की कोशिश की, यहां तक कि उसने अमेरिका से तुम्हें 5 साल पहले निकाल बाहर कर दिया था, सच है कि नहीं? ये सब बातें आपको किसने बताई? बात करने से पहले सोच तो लिया करें क्या कह रहे हैं आप। वो शहना जो शादी में आई थी, वो उसकी बात कर रही हो तुम? उस लड़की की? गॉड सेक, वो है किधर? उसको मेरे सामने लेके आओ ना। अरे ऐसी लड़कियां यही तो करती है, अरे मेरी लड़की के पीछे लग जाती है। अब कोई भी लड़की आके कुछ भी कह देगी आप लोग मान लेंगे? वो है किधर? आप उसका पता पूछ रहे हैं ताकि उसे मरवा दे? ओ प्लीज, ऐसी लड़कियों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। देखो मैं उसे जानता था, वहां जान पहचान होगी थी लेकिन वो मेरे कैलिबर की नहीं है। खैर मैं आप लोगों को सफाइयां क्यों दे रहा हूं, बात खत्म हो गई ना? बात खत्म नहीं हुई, आपने उससे शादी की, उससे स्पॉन्सरशिप मांगी और बदसलूकी के बाद इस हालत में उसको मरने के लिए छोड़ दिया।
और वैसे भी वो आपका इनाम क्यों ले रही है? क्योंकि वो जेलस थी कि मेरी एलिजा से शादी क्यों होगी। जो कहानी वो तुम लोगों को सुना रही है ना, इसका बिल्कुल उलट हुआ था। कि उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी, एक ड्रामा रचाया था ताकि वो मुझे हासिल कर सके। ऐसी लड़कियों को मैं पलट के देखता भी नहीं, ना ही फैमिली, ना ही बैकग्राउंड और ना ही कोई इज्जत। उसके बारे में इतना कैसे जानते हो?